हेलो गाइस, आई एम ललित अग्रवाल। वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन कोडिंग चैनल कोडफ्लिक्स, मेड बाय यू, मेड फॉर यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है, जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे अपन कौन सा तरीका डिस्कस करने वाले हैं? अपन सबसे ऑप्टिमाइज तरीका, जिसमें अपने को एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज ना करनी पड़े, एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज ना करनी पड़े। हालांकि ऐसे भी काफी सारे मेथड है, बट उसमें अपन क्या करेंगे, अपन जो मेथड डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगा कि अपन रन टाइम पे ही उसको क्या कर रहे होंगे, रिवर्स कर रहे होंगे। अपन रन टाइम पे ही नोड्स को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। जरूरी नहीं है आप वही मेथोडोलॉजी फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे इसके जो कंस्ट्रेंट्स है वो भी बहुत ईजी है। उसके अकॉर्डिंग आप कोई सा भी सोल्यूशन अप्लाई करो, सारे सोल्यूशन बड़े आराम से सबमिट हो जाएंगे। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब जो खुद से एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा हिंट है कि एक तो आप कोशिश कर सकते हो कि जहां से आपके लेफ्ट स्टार्ट हुआ है और जहां पे आपका राइट एंड है, ठीक है, इस पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को अलग से निकालो। बोले ठीक है, इसको रिवर्स करके ले आओ। बोला हाँ जी भैया, और फिर इसके आगे बीच में लगा दो। एक तो ये मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है जो कि अपन डिस्कस करने वाले हैं, कि अपन रन टाइम पे ही इनको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो रन टाइम पे रिवर्स करने के लिए क्या मेथडोलॉजी होगी? सिंपल सी बात है भैया कि रन टाइम पर रिवर्स करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अपन इन दोनों को रिवर्स करना चाहेंगे। बोला हाँ जी भैया, इन दोनों को रिवर्स करने के लिए क्या सिंपल सी टेक्निक होगी कि ये जो टू है, ठीक है, टू किसको पॉइंट करने लग जाए, इसके नेक्स्ट को। टू किसको पॉइंट करने लग जाए, इसके नेक्स्ट को। बोला ठीक है, तो टू पॉइंट करने लग गया थ्री के नेक्स्ट को। बोला ठीक है, तो टू पॉइंट करने लग गया फोर को। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, टू पॉइंट करने लग जाए फोर को, और जो थ्री है वो पॉइंट करने लग जाए टू को। बोला हाँ, समझ गए। अब जैसे टू पॉइंट किया फोर को, तो टू यूं आ गया। बोला हाँ जी भाई, यूं आ गया और ये वाला लिंकेशन टूट चुका है। और जो थ्री है वो थ्री इसको पॉइंट करने लग गया, तो ये ऑटोमेटिकली पीछे हो गया। बोला हाँ जी भाई, ऑटोमेटिकली थ्री पीछे हो गया, और फिर वन को अपन थ्री से करवा देंगे। तो ये जिससे लिंक लिस्ट सिंपल सी बन गई। तो ये हो गया अपना रन टाइम पे चेंज करना। इनके बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे, एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो, समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को एक लिंक लिस्ट दी हुई है। बोला ठीक है, उसका हेड दिया हुआ होगा अपने को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। बोला ठीक है, अब ये लिंक लिस्ट कुछ इस प्रकार की गिवन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। उसके बाद में अपने को एक लेफ्ट और एक राइट दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि ये लेफ्ट और राइट जो है वो नोड की वैल्यू है क्या। नहीं भैया, ये यहाँ पे बस एक कोइंसिडेंस बोल सकते हो, जहाँ पे आप मैच हो गई है। बाकी ये लेफ्ट और राइट जो है वो बता रहे हैं पोजिशन के, लेफ्ट कि सेकंड पोजीशन, मतलब अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन से, और जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां से फोर्थ पोजीशन, ठीक है। हाँ, और ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, ये भी मत भूलना। तो ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इसके इंडेक्स नंबर भी सेम है। तो जस्ट यहाँ पे सेम हुए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आगे भी सेम होंगे। तो आप कहीं वैल्यूज के हिसाब से चेंज मत करते ना, सबसे पहली बात तो ये है। या फिर इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में फिर ये बोल क्या रहा है, ये टू और फोर का डिनोट कर रहा है कि भैया सेकेंड इंडेक्स से जो भी चीजें स्टार्ट हुई है, और जो फोर्थ इंडेक्स जो भी नोड्स आ रही है, उन सबको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। उन सबको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करने के बाद में क्या बन जाएगा, 1, और ये यहाँ पे आ गया 4, सिंपल सी बात है, 3 2, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, वापस अपनी नॉर्मल लिंक लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। और लास्ट में किसको पॉइंट करता है, हमेशा नल को, इसको मत भूलना। बोला हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या क्वेश्चन इतना ही कहना चाह रहा था? बोला हाँ जी भैया, क्या इतना ही क्वेश्चन कहना चाह रहा था, यही अपना आंसर रिटर्न कराया है अपने। और लिटरली जितने बड़े आराम से अपन ने यहाँ पे कर दिया, उतने आराम से अपन इसको सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो इसके आपको समझने का कोई मतलब नहीं बचेगा। बोला ठीक है। अब देखो, अब अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि अपन ने यहाँ पे लिंक लिस्ट बनाई थी, ठीक है, तो लिंक लिस्ट बना के अपन ने देखा कि 2 से 4 के बीच में जो भी अपने नोड्स आ रहे हैं, अपन उनको रिवर्स कर सकते हैं। तो या तो आप इसको तोड़ लो और इसको रिवर्स करके ले आओ, और रिवर्स करके लाने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर लेना। यहाँ पे पेस्ट कैसे करोगे कि पहले आप इस पर ट्रेड करोगे, ट्रेड करते टाइम आपने यहाँ पे आके इसका जो ये जो नोड है वो आपने संभाल के रख ली। बोले ठीक है, फिर आप इसको रिवर्स कराने लगे, रिवर्स करा के वापस लाए, तो वापस लाने के बाद में जो भी उसका हेड था, इसके नेक्स्ट को आपने उसके हेड से पॉइंट करवा दिया। बोला हाँ जी भैया, समझ गए। अब ये यहाँ से आपको 2 तक मिल चुकी है। बोला हाँ जी भैया, और इसको भी पॉइंट को आपने पहले जाते वक्त ही संभाल के रख लिया था, फिर आपने क्या किया कि उसके नेक्स्ट को 5 से पॉइंट करा दिया। तो ये मेथडोलॉजी हो सकती है। बोला हाँ जी भैया, ये मेथडोलॉजी हो सकती है। और एक रन टाइम पे कैसे घुमा सकते हो आप क्वेश्चन को, रन टाइम पे भी सिंपल सी चीज़ है। रन टाइम पे कैसे घुमाएंगे, देखो यहाँ पे आओ,
रन टाइम पे अपन क्या करेंगे, रन टाइम पे अपन, हाँ ये आया ठीक है, ये अपनी लिंक लिस्ट हो गई, बोला हाँ जी भैया। अब इसमें को करना क्या है कि एक तो अपने को लेफ्ट दे रखा है, एक राइट दे रखा है, सो लेफ्ट से राइट के बीच में की सारी वैल्यूज को अपने को घुमाना है, बोला ठीक है। अब इनको घुमाने के लिए अपने क्या बोलेंगे कि अपने को स्वैप करनी पड़ेगी, बोला हाँ जी भैया। तो स्वैप करने के लिए कितनी बार स्वैपिंग चाहिएगी, एक बार तो ये वाली और एक बार ये वाली पूरी की पूरी स्वैपिंग, बोला ठीक है। तो अपने को दो स्वैपिंग चाहिएगी, ये अपना निकल के कैसे आएगा कि अपने को राइट माइनस लेफ्ट, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे, तो अपना क्या आ गया कि अपने को कितने नंबर ऑफ टाइम्स स्वैपिंग करनी है। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब ये अपन इतने नंबर ऑफ टाइम्स का लूप चला देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, बोला ठीक है भैया। अब यहाँ पे क्या है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में मान रहा हूँ, तो यानी कि आप मान लो जीरो से टू, या फिर आप मान सकते हो वन से मानो तो थ्री, मतलब बेसिकली अपना जो लूप चलेगा वो 3 बार चलेगा, बोला ठीक। अब ये होगा क्या, इसमें सबसे पहले वन आएगा ठीक है, वन जो है वो पॉइंट कर रहा था टू को, हाँ टू थ्री को, थ्री फोर को और फोर फाइव को, बोला ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो टू है ये पॉइंट करने लग जाएगा फोर को, तो टू किसको पॉइंट कर रहा है, फोर को, ठीक है। आगे की सेम गणित है पूरी की पूरी, आगे में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बोला ठीक है। और जो थ्री है वो पॉइंट करने लग जाएगा टू को, और जो टू है वो, और जो वन है वो पॉइंट करेगा थ्री को। तो ये एक स्वैपिंग हो गई, बोला हाँ जी भैया ये एक स्वैपिंग हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या किया उसके बाद में आके, उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, इस फोर को भी अपन आगे ले आए, बोला ठीक है। तो अब क्या होगा, टू किसको पॉइंट करेगा, टू पॉइंट करेगा फाइव को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया टू फाइव को पॉइंट कर रहा है ठीक है, और थ्री टू को पॉइंट कर ही रहा था, और यहाँ पे बीच में क्या आ गया, फोर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ये अपना आ गया फाइनल आउटपुट। समझ गया इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गया, यही अपना हुआ था, बोला हाँ जी भैया यही अपना हुआ था। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रन टाइम पे चेंज करना, समझ गए, बोला हाँ जी भैया समझ गए। अपन एक बार इसका कोड भी देख लेते हैं, देखो आओ फटाफट यहाँ पे आओ, देखो सबसे पहले अपन ने एक इनिशियल कंडीशन डाल दी है इसमें, जिसमें अपन ने ये बोला है कि अगर अपना हेड ही नल को पॉइंट कर रहा है तो सीधा नल रिटर्न करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा हाँ एक चीज़, अपन ने प्रीवियस को ये डमी क्यों बनाया है, डमी इसलिए बनाया है क्योंकि अपन यहाँ पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोल रहे हैं कि अपन ने ये बोल तो दिया कि ये सॉल्व करेंगे, अब ये करेंगे कैसे, यहाँ पे ये अपन ने बोल दिया कि टू को अपन पॉइंट करा देंगे फोर से, फोर को पॉइंट करा देंगे थ्री से, ठीक है। तो ये मेंटेन कैसे करेंगे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये मेंटेन ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए अपन ने क्या बोला है, सिंपल सी चीज़ कि ना अपन दो नोड्स लेकर चलेंगे, एक तो प्रीवियस और एक करंट, ठीक है। हाँ अब प्रीवियस क्या कर रही होगी कि अगर अपनी करंट यहाँ पे है ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रीवियस अपनी यहाँ पे होगी इससे पहले, ठीक है। तो जैसे ही अपन क्या होगा, जैसे अपन लेफ्ट में पहुंचने वाले होंगे तो अपने प्रीवियस क्या है, यहीं पे रुक जाएगी। प्रीवियस जैसे यहाँ पे रुकी तो अपने को समझ में आ गया कि नेक्स्ट से अपने वो अपने चेंजेस परफॉर्म करने हैं, सबसे पहली चीज़ तो बोला हाँ जी भाई सबसे पहली चीज़ समझ में आ गई। देखो इतना इतना समझते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं, तो समझ में आ गया कि यहाँ पे अपने को वन से पहले भी एक नोड पे खड़ा होना था, अब यहाँ पे कोई नोड ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो अपन ने यहाँ पे क्या बनाई है, डमी नोड बनाई है ठीक है, बोला हाँ जी भैया। तो यहाँ पे अपन ने एक डमी नोड बना दी, बोले ठीक है। डमी नोड में अपन ने वैल्यू क्या दे दी, जीरो दे दी, और उसके नेक्स्ट में क्या दे दिया अपन ने, हेड दे दिया। तो जैसे ही हेड नेक्स्ट में दिया अपन ने, तो नेक्स्ट से पहले आ गई वो नोड, बोला हाँ जी भैया, और यहाँ पे एक डमी नोड आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, जो अपना हेड है वो डमी कर लो, कि मतलब अपना जो पूरी की पूरी लिस्ट स्टार्ट हो रही है वो हेड से ही हो रही है, तो अपन ने हेड को क्या कर दिया, डमी से स्टार्ट कर दिया। तो मतलब अपने में एक और एक्स्ट्रा नोड आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, बोला अपन ने करंट किसको बनाया, बोला करंट अपन ने बनाया हेड के नेक्स्ट को, मतलब कि वन को, ठीक है। हाँ वन से अपनी ये करंट स्टार्ट हो रही है, और प्रीवियस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डमी से, बोला कौन सी बात है, वन से पहले वाला जो अपन ने डमी नोड बनाई है वहाँ से अपनी स्टार्ट हो रही है, बोला ठीक है। अब यहाँ से अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन इटरेट करते करते आए किस पे, लेफ्ट तक, मतलब क्योंकि अपने को लेफ्ट तक कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं करने थे। अब यहाँ पे तो क्या है, लेफ्ट वैल्यू टू पे ही आ गई, हो सकता है लेफ्ट वैल्यू फाइव पे आती, तो अपने उधर तक अपन बड़े आराम से मूव करते करते आ जाते, हंसते खेलते वहाँ तक अपने को कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं करने थे, सिंपल सी बात है, बोला जी भाई सिंपल सी बात है ठीक है। यहाँ पे अपन आए, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अपन आए हैं तो अपना प्रीवियस में क्या मेंटेन है, प्रीवियस में अपन वन पे है ठीक है। जैसे ही अपन पोजीशन टू पे आ गए, प्रीवियस पे अपन वन पे है, और करंट वाला जो पॉइंटर है वो अपना टू पे है, समझ गए, बोला हाँ जी भैया समझ गया, प्रीवियस अपना वन पे है, करंट अपना टू पे है ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला, जो प्रीवियस का नेक्स्ट है ठीक है, हाँ प्रीवियस के नेक्स्ट में अपन ने क्या दे दिया, करंट, क्योंकि यहाँ पे अपन ने करंट मेंटेन नहीं किया था, चाहो तो यहाँ पे करंट मेंटेन कर लो, या फिर यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या करो, प्रीवियस का नेक्स्ट बोल देगी, तो प्रीवियस का नेक्स्ट कौन सा जाएगा, करंट आ जाएगा, जिसको अपन लेफ्ट प्रीवियस भी बोल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन है, आपको जो देना हो दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भाई क्लियर सी बात है ठीक है। तो अभी अपना करंट यहाँ पे मान लो और प्रीवियस अपना यहाँ पे मान लो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला, एक नई अपन ने टेम्प लिस्ट नोड बनाई, बोला ठीक है। इसको अपन ने क्या बोला कि जो प्रीवियस का नेक्स्ट है, प्रीवियस क्या है, ये है, हाँ जी भैया, तो प्रीवियस का नेक्स्ट जो है वो टू है, तो आपने क्या किया, टेम्प के अंदर टू को स्टोर करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोले ठीक है। फिर आपने क्या बोला, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है ना, हाँ प्रीवियस का नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा इसके नेक्स्ट को, ठीक है। हाँ प्रीवियस का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, इसके नेक्स्ट को, तो टू किसको पॉइंट कर रहा है, टू किस पॉइंट कर रहा है, फोर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, टू पॉइंट कर रहा है अपना
फोर को, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इस वाले लाइन में। और इस वाली लाइन में क्या हो रहा है, इस वाली लाइन में अपना ये हो रहा है कि प्रीवियस का नेक्स्ट, तो प्रीवियस क्या था, वन था। हाँ, तो अब वन किसको पॉइंट कर रहा है, थ्री को। वन किसको पॉइंट कर रहा है, थ्री को। प्रीवियस का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, करंट के नेक्स्ट को। करंट क्या है अपना, या फिर ये लेफ्ट प्रीवियस क्या है अपना, टू था, टू का नेक्स्ट क्या था, थ्री। तो अपना वन किसको पॉइंट कर रहा है, थ्री को। टू अपना पॉइंट कर रहा है फोर को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वन थ्री को कर रहा है, टू फोर को कर रहा है, वन थ्री को कर रहा है, टू फोर को कर रहा है। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज बची है, क्या बची है कि अपने को ये जो थ्री है, थ्री किसको पॉइंट आउट कराना है, थ्री अपने को टू को पॉइंट आउट कराना है। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। तो अपने क्या बोलते हैं, प्रीवियस का जो नेक्स्ट का नेक्स्ट है, हाँ, यानी कि प्रीवियस ये था, प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा था, थ्री को। अब थ्री का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा, टू को। तो थ्री का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, टेम को, जो कि अपन ने यहाँ पे स्टोर करवा लिया था। टेम में अपन ने टू स्टोर कराया था, बोला हाँ जी भैया। बस ऐसे ही अपन क्या करेंगे, कितने टाइम्स इसको ट्रेड करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट टाइम्स, क्यों, अपने को समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। लास्ट में अपन ने क्या किया, डमी के नेक्स्ट को रिटर्न करा दिया। डमी में क्या था, डमी में था जीरो, जो अपने डमी वैल्यू बनाई थी। तो डमी के नेक्स्ट से अपना हेड नोड स्टार्ट हो रही थी, वहां से अपन ने क्या करा दिया, रिटर्न करवा दिया। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी अपन देखने वाले हैं, बाकी सबमिट करके अपन देख लें, बड़े आराम से सबमिट हो रहा है। अब बताओ सबसे पहले तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, यहाँ पे इफ के अंदर कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये नई नोड बनाई है, इसमें भी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे अपन ने फोर का लूप चलाया, कहाँ तक चलाया, या अपन ने चलाया लेफ्ट तक, बोले ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया, राइट माइनस लेफ्ट तक अपन ने चलाया। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियोस में कहाँ तक जाएगा, ऑफ एन तक। अगर अपना जो राइट है तो लास्ट हुआ, तो अपना ऑफ एन तक जाएगा। सही बात है, बोला हाँ जी भैया, सही बात है। तो ऑफ एन अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, बोला हाँ जी भैया। अगर अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी भैया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन ऐसा कुछ यूज करी ही नहीं है, बस अपने पॉइंटर्स बनाए और पॉइंटर्स के अपन अपन ट्रेड करते गए, अपन ने कहीं पे भी कुछ भी स्टोर नहीं करवाया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।